पाठ 14 मैं और मेरा देश। इस निबंध के द्वारा लेखक ने पराधीनता की पीड़ा और स्वाधीनता के सुख को व्यक्त करते हुए व्यक्ति के अधिकारों और कर्तव्यों का सम्यक विवेचन किया है। राष्ट्र के मान सम्मान और गौरव के साथ ही किसी व्यक्ति का मान सम्मान और गौरव जुड़ा होता है। राष्ट्र के संदर्भ में ही व्यक्ति की सही पहचान होती है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है कि जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की, उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। मैं अपने घर में जन्मा था, पला था, अपने पड़ोस में खेलकर पड़ोसियों की ममता दुलार पा बड़ा हुआ था। अपने नगर में घूम फिर कर वहाँ के विशाल समाज का संपर्क पा, वहाँ के संचित ज्ञान भंडार का उपयोग कर उसे अपनी सेवाओं का दान दे, उसकी सेवाओं का सहारा पा, और इस तरह एक मनुष्य से एक भरा पूरा नगर बनकर मैं खड़ा हुआ था। मैं अपने नगर के लोगों का सम्मान करता था, वे भी मेरा सम्मान करते थे। मुझे बहुतों की अपने लिए जरूरत पड़ती थी, मैं भी बहुतों की जरूरत का उनके लिए जवाब था। इस तरह मैं समझ रहा था कि मैं अपने में अब पूरा हो गया हूँ, पूरा फैल गया हूँ, पूरा मनुष्य हो गया हूँ। मैं सोचा करता था कि मेरी मनुष्यता में अब कोई अपूर्णता नहीं रही, मुझे अब कुछ ना चाहिए, जो चाहिए वह सब मेरे पास है, मेरा घर, मेरा पड़ोस, मेरा नगर और मैं। वाह, कैसी सुंदर, कैसी संगठित और कैसी पूर्ण है मेरी स्थिति। एक दिन आनंद की इस दीवार में एक दरार पड़ गई और तब मुझे सोचना पड़ा कि अपने घर, अपने पड़ोस, अपने नगर की सीमाओं में ममता, सहारा, ज्ञान और आनंद के उपहार पाकर भी मेरी स्थिति एकदम हीन है, और हीन भी इतनी कि मेरा कहीं भी कोई अपमान कर सकता है, एक मामूली अपराधी की तरह। और मुझे यह भी अधिकार नहीं कि मैं उस अपमान का बदला लेना तो दूर रहा, उसके लिए कहीं अपील या दया प्रार्थना ही कर सकूं। क्या कोई भूकंप आया था जिससे दीवार में यह दरार पड़ गई? बड़े महत्व का प्रश्न है, इस अर्थ में भी कि यह बात को खिलने का, आगे बढ़ने का अवसर देता है, और इस अर्थ में भी कि ठीक समय पर पूछा गया है। ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने में एक अपूर्व आनंद आता है। तो उत्तर यह है आपके प्रश्न का, जी हाँ, एक भूकंप आया था जिससे दीवार में यह दरार पड़ गई। और लीजिए, आपको कोई नया प्रश्न ना पूछना पड़े इसलिए मैं अपनी ओर से ही कहे दे रहा हूं, यह दीवार थी मानसिक विचारों की, मानसिक विश्वासों की, इसलिए यह भूकंप भी किसी प्रांत या प्रदेश में नहीं उठा, मेरे मानस में ही उठा था, मानस में भूकंप उठा था। हाँ जी, मानस में भूकंप उठा था, और भूकंप में कहीं कोई धरती थोड़े ही हिली थी, आकाश थोड़े ही कांपा था, एक तेजस्वी पुरुष का अनुभव ही वह भूकंप था जिसने मुझे हिला दिया। वे तेजस्वी पुरुष थे स्वर्गीय पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। अपने महान राष्ट्र की पराधीनता के दिनों में जिन लोगों ने अपने रक्त से गौरव के दीपक जलाए, और जो घोर अंधकार और भयंकर बवंडरों के झकझोरों में जीवन भर खेल उन दीपकों को बुझने से बचाते रहे, उन्हीं में एक थे हमारे लाला जी। उनकी कलम और वाणी दोनों में तेजस्विता की ऐसी किरणें थी कि वे फूटती तो अपने मुग्ध हो जाते और पराए भौचक के। वे उन्हीं दिनों सारे संसार में घूमे थे। उनके व्यक्तित्व के गठन में उनके परिवार, उनके पास पड़ोस और उनके नगर ने अपने सर्वोत्तम रत्नों की जोत उन्हें भेंट दी थी। अजी क्या बात थी उनके व्यक्तित्व की, क्या देखने में, क्या सुनने में। वे एक अपूर्व मनुष्य थे, कौन था भला ऐसा जिस पर वे मिलते ही छा न जाते। संसार के देशों में घूमकर वे अपने देश में लौटे तो उन्होंने अपना सारा अनुभव एक ही वाक्य में भरकर बिखेर दिया। वह अनुभव ही तो वह भूकंप था जिसने मेरी पूर्णता की ठसक को अपूर्णता की कसक में बदल दिया। उनका यह अनुभव था, मैं अमरीका गया, इंग्लैंड गया, फ्रांस गया और संसार के दूसरे देशों में भी घूमा, पर जहां भी मैं गया भारतवर्ष की गुलामी की लज्जा का कलंक मेरे माथे पर लगा रहा। क्या सचमुच यह अनुभव एक मानसिक भूकंप नहीं है जो मनुष्य को झकझोर कर कहे कि मनुष्य के पास संसार के ही नहीं, यदि स्वर्ग के भी सब उपहार और साधन हों,
पर उसका देश गुलाम हो या किसी भी दूसरे रूप में हीन हो, तो वे सारे उपहार और साधन उसे गौरव नहीं दे सकते। इस अनुभव की छाया में मैं सोचता हूँ कि मेरा यह कर्तव्य है कि मुझे निजी रूप में सारे संसार का राज्य भी क्यों न मिलता हो, मैं कोई ऐसा काम करूं जिससे मेरे देश की स्वतंत्रता को, दूसरे शब्दों में उसके सम्मान को धक्का पहुंचे, उसकी किसी भी प्रकार की शक्ति में कमी आए। साथ ही उसके एक नागरिक के रूप में मेरा यह अधिकार भी है कि अपने देश के सम्मान का पूरा पूरा भाग मुझे मिले और उसकी शक्तियों से अपने सम्मान की रक्षा का मुझे जहाँ भी मैं हूँ भरोसा रहे। अजी भला एक आदमी अपने इतने बड़े देश के लिए कर ही क्या सकता है। फिर कोई बड़ा वैज्ञानिक हो तो वह अपने आविष्कारों से ही देश को कुछ बल दे दे, या फिर कोई बहुत बड़ा धनपति हो तो वह अपने धन का भामाशाह की तरह समय पर त्याग कर ही देश के काम आ सकता है। पर हर एक आदमी न तो ऐसा वैज्ञानिक ही हो सकता है न धनिक ही। फिर जो बेचारा अपनी ही दाल रोटी की फिक्र में लगा हुआ हो, वह अपने देश के लिए चाहते हुए भी क्या कर सकता है। आपका प्रश्न विचारों को उत्तेजना देता है, इसमें संदेह नहीं। पर इसमें भी कोई संदेह नहीं कि इसमें जीवन शास्त्र का घोर अज्ञान भी भरा हुआ है। अरे भाई, जीवन कोई आपके मुन्ने की गुड़िया थोड़े ही है कि आप कह सकें कि बस यह है, इतना ही है। वह तो एक विशाल समुद्र का तट है जिस पर हर एक अपने लिए स्थान पा सकता है। लो, एक और बात बताता हूँ आपको। जीवन को दर्शन शास्त्रियों ने बहुमुखी बताया है, उसकी अनेक धारणाएं हैं। सुना नहीं आपने कि जीवन एक युद्ध है, और युद्ध में लड़ना ही तो कोई एक काम नहीं होता। लड़ने वालों को रसद ना पहुंचे तो वे कैसे लड़े। किसान ठीक खेती ना उपजाए तो रसद पहुंचाने वाले क्या करें। और लो, जाने दो बड़ी बड़ी बातें, युद्ध में जय बोलने वालों का भी महत्व है। जय बोलने वालों का। हाँ जी, युद्ध में जय बोलने वालों का भी बहुत महत्व है। कभी मैच देखने का तो अवसर मिला ही होगा आपको। देखा नहीं आपने कि दर्शकों की तालियों से खिलाड़ियों के पैरों में बिजली लग जाती है और गिरते खिलाड़ी उभर जाते हैं। कवि सम्मेलनों और मुशायरों की सारी सफलता दाद देने वालों पर ही निर्भर करती है। इसलिए मैं अपने देश का कितना भी साधारण नागरिक क्यों ना हूं, अपने देश के सम्मान की रक्षा के लिए बहुत कुछ कर सकता हूं। अकेला चना क्या भाड़ फोड़े, यह कहावत मैं अपने अनुभव के आधार पर ही आपसे कह रहा हूं कि 100% झूठ है। इतिहास साक्षी है, बहुत बार अकेले चने ने ही भाड़ फोड़ा है, और ऐसा फोड़ा है कि भाड़ खील खील ही नहीं हो गया, उसका निशान तक ऐसा छूमंतर हुआ कि कोई यह भी न जान पाया कि वह बेचारा आखिर था कहां। मैं जानता हूं इतिहास की गहराइयों में उतरने का यह समय नहीं है, पर दो छोटी कहानियां तो सुन ही सकते हैं आप। और कहानियां भी न प्रेमचंद की न अंतोन चेखव की, दो युवकों के जीवन की दो घटनाएं हैं। पर उन दो घटनाओं में वह गांठ इतनी साफ है जो नागरिक और देश को एक साथ बांधती है कि आप बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर भी उसे इतनी साफ नहीं देख सकते। हमारे देश के महान संत स्वामी राम तीर्थ एक बार जापान गए। वे रेल में यात्रा कर रहे थे कि एक दिन ऐसा हुआ कि उन्हें खाने को फल ना मिले, और उन दिनों फल ही उनका भोजन था। गाड़ी एक स्टेशन पर ठहरी तो वहां भी उन्होंने फलों की खोज की, पर वे पा ना सके। उनके मुंह से निकला, जापान में शायद अच्छे फल नहीं मिलते। एक जापानी युवक प्लेटफॉर्म पर खड़ा था, वह अपनी पत्नी को रेल में बैठाने आया था। उसने ये शब्द सुन लिए, सुनते ही वह अपनी बात बीच में ही छोड़कर भागा और कहीं दूर से एक टोकरी ताजे फल लाया। वे फल उसने स्वामी राम तीर्थ को भेंट करते हुए कहा, लीजिए, आपको ताजे फलों की जरूरत थी। स्वामी जी ने समझा यह कोई फल बेचने वाला है और उनके दाम पूछे, पर उसने दाम लेने से इनकार कर दिया। बहुत आग्रह करने पर उसने कहा, आप इनका मूल्य देना ही चाहते हैं, तो वह यह है कि आप अपने देश में जाकर किसी से यह न कहिएगा कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। इस गौरव की ऊंचाई का अनुमान आप दूसरी घटना सुनकर ही पूरी तरह लगा सकेंगे। एक दूसरे देश का निवासी एक युवक जापान में शिक्षा लेने आया। एक दिन वह सरकारी पुस्तकालय से कोई पुस्तक पढ़ने को लाया। इस पुस्तक में कुछ दुर्लभ चित्र थे। ये चित्र इस युवक ने पुस्तक में से निकाल लिए और पुस्तक वापस कर आया।
किसी जापानी विद्यार्थी ने यह देख लिया और पुस्तकालय को उसकी सूचना दे दी। पुलिस ने तलाशी लेकर वे चित्र उस विद्यार्थी के कमरे से बरामद किए और उस विद्यार्थी को जापान से निकाल दिया। मामला यहीं तक रहता तो कोई बात न थी, अपराधी को दंड मिलना ही चाहिए, पर मामला यहीं तक नहीं रुका और उस पुस्तकालय के बाहर बोर्ड पर लिख दिया गया कि उस देश का जिसका वह विद्यार्थी था कोई निवासी इस पुस्तकालय में प्रवेश नहीं कर सकता। मतलब साफ है, एकदम साफ कि जहां एक युवक ने अपने काम से अपने देश का सिर ऊंचा किया था, वहीं एक युवक ने अपने काम से अपने देश के मस्तक पर कलंक का ऐसा टीका लगाया जो जाने कितने वर्षों तक संसार की आंखों में उसे लांछित करता रहा। इन घटनाओं से क्या यह स्पष्ट नहीं है कि हर एक नागरिक अपने देश के साथ बंधा हुआ है और देश की हीनता और गौरव का ही फल उसे नहीं मिलता, उसकी हीनता गौरव का फल भी उसके देश को मिलता है। मैं अपने देश का एक नागरिक हूँ और मानता हूँ कि मैं ही अपना देश हूँ। जैसे मैं अपने लाभ और सम्मान के लिए हर एक छोटी छोटी बात पर ध्यान देता हूँ, वैसे ही मैं अपने देश के लाभ और सम्मान के लिए भी छोटी छोटी बात पर ध्यान दूं, यह मेरा कर्तव्य है। और जैसे मैं अपने सम्मान और साधनों से अपने जीवन में सहारा पाता हूँ, वैसे ही देश के सम्मान और साधनों से ही सहारा पाऊं, यह मेरा अधिकार है। बात यह है कि मैं और मेरा देश दो अलग चीजें तो है नहीं। मैंने जो कुछ जीवन में अध्ययन और अनुभव से सीखा है वह यही है कि महत्व किसी कार्य की विशालता में नहीं है, उस कार्य को करने की भावना में है। बड़े से बड़ा कार्य हीन है यदि उसके पीछे अच्छी भावना नहीं है, और छोटे से छोटा कार्य भी महान है यदि उसके पीछे अच्छी भावना है। महान कमाल पाशा उन दिनों अपने देश तुर्की के राष्ट्रपति थे। राजधानी में उनकी वर्षगांठ बहुत धूमधाम से मनाई गई। देश के लोगों ने उस दिन लाखों रुपए के उपहार उन्हें भेंट किए। वर्षगांठ का उत्सव समाप्त कर जब वे अपने भवन में ऊपर चले गए तो एक देहाती बूढ़ा उन्हें वर्षगांठ का उपहार भेंट करने आया। सेक्रेटरी ने कहा, अब तो समय बीत गया है। बूढ़े ने कहा, मैं 30 मील से पैदल चलकर आ रहा हूँ, इसलिए मुझे देर हो गई। राष्ट्रपति तक उसकी सूचना भेजी गई। कमाल पाशा विश्राम के वस्त्र बदल चुके थे, वे उन्हीं कपड़ों में नीचे चले आए और उन्होंने आदर के साथ बूढ़े किसान का उपहार स्वीकार किया। यह उपहार मिट्टी की छोटी सी हंडिया में पाव भर शहद था, जिसे बूढ़ा स्वयं तोड़कर लाया था। कमाल पाशा ने हंडिया को स्वयं खोला और उसमें 2 उंगलियां भरकर चाटने के बाद तीसरी उंगली शहद से भरकर बूढ़े के मुंह में दे दी। बूढ़ा निहाल हो गया। राष्ट्रपति ने कहा, दादा आज सर्वोत्तम उपहार तुमने ही मुझे भेंट किया, क्योंकि इसमें तुम्हारे हृदय का शुद्ध प्यार है। उन्होंने आदेश दिया कि राष्ट्रपति की शाही कार में शाही सम्मान के साथ उनके दादा को गांव तक पहुंचाया जाए। क्या वह शहद बहुत कीमती था? क्या उसमें मोती हीरे मिले हुए थे? ना, उस शहद के पीछे उसके लाने वाले की भावना थी, जिसने उसे 100 लालों का एक लाल बना दिया। हमारे देश में भी एक ऐसी ही घटना घटी थी। एक किसान ने रंगीन सुतलियों से एक खाट बुनी और उसे रेल में रखकर वह दिल्ली लाया। दिल्ली स्टेशन से उस खाट को अपने कंधे पर रखकर वह भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की कोठी पर पहुंचा। पंडित जी कोठी से बाहर आए तो वह खाट उसने उन्हें दी। पंडित जी को देखकर वह इतना भावमुग्ध हो गया कि कुछ कह ही ना सका। पंडित जी ने पूछा, क्या चाहते हो तुम? उसने कहा, यही कि आप इसे स्वीकार करें। प्रधानमंत्री ने उसका यह उपहार प्यार से स्वीकार किया और अपना एक फोटो दस्तखत करके उसे स्वयं भी उपहार में दिया। जिस दस्तखती फोटो के लिए देश के बड़े बड़े लोग, विद्वान और धनी तरसते हैं, वह क्या उस मामूली खाट के बदले में दिया गया था? ना, वह तो उस खाट वाले की भावना का ही सम्मान था। क्यों जी, हम यह कैसे जान सकते हैं कि हमारा काम देश के अनुकूल है या नहीं? वाह, क्या सवाल पूछा है आपने। सवाल क्या, बातचीत में आपने तो एक कीमती मोती ही जड़ दिया यह। पर उसके उत्तर में सिर्फ हाँ या न से काम न चलेगा, मुझे थोड़ा विवरण देना पड़ेगा। हम अपने कार्यों को देश के अनुकूल होने की कसौटी पर कसकर चलने की आदत डालें, यह बहुत उचित है, बहुत सुंदर है। पर हम इसमें तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक कि हम अपने देश की भीतरी दशा को
ठीक ठाक न समझ लें और उसे हमेशा अपने सामने न रखें। हमारे देश को दो बातों की सबसे पहले और सबसे ज्यादा जरूरत है, एक शक्ति बोध और दूसरा सौंदर्य बोध। बस हम यह समझ लें कि हमारा कोई भी काम ऐसा ना हो जो देश में कमजोरी की भावना को बल दे या कुरूचि की भावना को। जरा अपनी बात को और स्पष्ट कर दीजिए, यह आपकी राय है और मैं इससे बहुत ही खुश हूँ कि आप मुझसे यह स्पष्टता मांग रहे हैं। क्या आप चलती रेलों में, मुसाफिर खानों में, क्लबों में, चौपालों पर और मोटर बसों में कभी ऐसी चर्चा करते हैं कि हमारे देश में यह नहीं हो रहा, वह नहीं हो रहा और यह गड़बड़ है, वह परेशानी है? साथ ही क्या इन स्थानों में या इसी तरह के दूसरे स्थानों में आप कभी अपने देश के साथ दूसरे देशों की तुलना करते हैं और इस तुलना में अपने देश को हीन और दूसरे देशों को श्रेष्ठ सिद्ध करते हैं? यदि इन प्रश्नों का उत्तर हाँ है तो आप देश के शक्ति बोध को भयंकर चोट पहुंचा रहे हैं और आपके हाथों देश के सामूहिक मानसिक बल का ह्रास हो रहा है। सुनिए आपने शल्य की बात। वह महाबली कर्ण का सारथी था। जब भी कर्ण अपने पक्ष की विजय की घोषणा करता, हुंकार भरता, वह अर्जुन की अजेयता का एक हल्का सा उल्लेख कर देता। बार बार इस उल्लेख ने कर्ण के सघन आत्मविश्वास में संदेह की तरेड़ डाल दी, जो उसके भावी पराजय की नींव रखने में सफल हो गई। अच्छा, आप इस तरह की चर्चा कभी नहीं करते, तो मैं आपसे दूसरा प्रश्न पूछता हूँ। क्या आप कभी केला खाकर छिलका रास्ते में फेंकते हैं, अपने घर का कूड़ा बाहर फेंकते हैं, मुंह में गंदे शब्दों से गंदे भाव प्रकट करते हैं, इधर की उधर तथा उधर की इधर लगाते हैं, अपना घर, दफ्तर, गली गंदा रखते हैं, होटलों, धर्मशालाओं में या दूसरे ऐसे ही स्थानों में, जीनों में, कोनों में पीख थूकते हैं, उत्सवों, मेलों, रेलों और खेलों में ठेलम ठेल करते हैं, निमंत्रित होने पर समय से लेट पहुंचते हैं या वचन देकर भी घर आने वालों को समय पर नहीं मिलते, और इसी तरह किसी भी रूप में क्या सुरुचि और सौंदर्य को आपके किसी काम से ठेस लगती है? यदि आपका उत्तर हाँ है तो आपके द्वारा देश के सौंदर्य बोध को भयंकर आघात लग रहा है और आपके द्वारा देश की संस्कृति को गहरी चोट पहुंच रही है। क्या कोई ऐसी कसौटी भी बनाई जा सकती है जिससे देश के नागरिकों को आधार बनाकर देश की उच्चता और हीनता को हम तोल सकें? लीजिए चलते चलते आपके इस प्रश्न का भी उत्तर दे ही दूं। इस उच्चता और हीनता की कसौटी है चुनाव। जिस देश के नागरिक यह समझते हैं कि चुनाव में किसे अपना मत देना चाहिए और किसे नहीं, वह देश उच्च है। और जहां के नागरिक गलत लोगों के उत्तेजक नारों या व्यक्तियों के गलत प्रभाव में आकर मत देते हैं, वह हीन है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मेरा यानी हर एक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह जब भी कोई चुनाव हो ठीक मनुष्य को अपना मत दे, और मेरा अधिकार है कि मेरा मत लिए बिना कोई भी आदमी, वह संसार का सर्वश्रेष्ठ महापुरुष ही क्यों ना हो, किसी अधिकार की कुर्सी पर ना बैठ सके।